नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो होते हैं ना, वो किस तरीके से फॉर्मेट होते हैं, कैसे उनको बनाया जाता है और किस तरीके से उनको फाइंड आउट करना होता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है, एकदम शुरू से शुरू करेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जो हार्डन इसका फॉर्मेट होता है वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो होता क्या, देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ, दो चीजें होती, एक तो इसका वैसे मतलब होता कथन, ठीक है ना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, देखते जाओ समझते जाओ। ठीक है, कथन होता है, कथन दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो कथन जो दूसरे ने आपको कहा है, पहला हो गया जो किसी दूसरे ने आपको कहा है, यानी सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन ने किसको कहा है, फर्स्ट पर्सन को कहा। ठीक है, एक वो कथन हो गया जो कि फर्स्ट पर्सन ने सेकेंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन को कहता है। ठीक है, मान लो फर्स्ट पर्सन कौन है, खुद मैं, मेरे को आई को, ठीक है, किसने कहा, राम ने कहा, आई को राम ने कहा कि भाई मैं ना पिछले सप्ताह उदयपुर घूमने गया था, मतलब राम ने किसको कहा भाई, इसको कहा, क्या कहा कि उदयपुर घूमने गया था। अब यही बात ये कहेगा किसी दूसरे आदमी को, जैसे इसने सामने वाले पहले यू को कह दिया कि राम घूमने गया था उदयपुर। इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या, बस यही समझना, और यही होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक, पहले कथन में, पहले डायरेक्ट में क्या कहा गया है कि राम जो है ये आई को बोल रहा है कि मैं गया था उदयपुर घूमने, दूसरे कथन में आई कह रहा है यू को कि राम घूमने गया था उदयपुर, फर्क क्या हुआ, इसमें राम ने खुद ने कहा, इसमें इसने कहा है। ठीक, तो ये तो हो गया डायरेक्ट और ये हो गया इनडायरेक्ट। कैसे बनाते हैं, क्या क्या इसमें फॉर्मेशन होते हैं, वो सारा कुछ मैं आपको धीरे धीरे बता देता। ठीक है, और एक बात, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ टॉपिक्स हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे, वरना ये क्लियर नहीं होगा। जैसे टेंस आपका क्लियर होना चाहिए, इसके बगैर आपको ये नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा जो है वो आपका है मॉडल्स, ये क्लियर होना चाहिए। तीसरा जो है आपका वर्ब, ये क्लियर होना चाहिए। प्रोनाउन क्लियर होना चाहिए, नाउन क्लियर होना चाहिए और एडजेक्टिव क्लियर होना चाहिए, एडवर्ब क्लियर होना चाहिए, कंजंक्शन क्लियर होना चाहिए और एडवर्ब आ गया। ठीक है, टेंस हो गया, मॉडल हो गया, वर्ब हो गया, प्रोनाउन हो गया, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन। ठीक, इसके अलावा आपको सेंटेंस जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। ये इतने टॉपिक जो है ना वो आपके क्लियर होने चाहिए, तब जाके आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन जो है ना उस पर पकड़ आपकी तब बनेगी। अब मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये टॉपिक जरूरी है, देखिए टॉपिक तो और भी है जो जरूरी है, प्रीपोजिशन भी जरूरी है, लेकिन वो ना आपको उतना मस्ट नहीं जितनी ये चीजें हैं। क्यों है ये, देखिए एक सेंटेंस लिखता हूं उसी से आप समझ जाओगे। ठीक है,
इतना लिख दिया मैंने, राम सेड टू मी आई मेट योर ब्रदर, ठीक है। अब इसमें ये चीजें जरूरी क्यों है, देखो इस पहले वाले क्लोज को देखिए, बहुत से टीचर इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। मैं वो भी बता देता हूं आपको साथ साथ में, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। जबकि मैं इसको बोलता हूं क्लॉज नंबर फर्स्ट, क्लॉज नंबर सेकेंड। अब ये क्लॉज क्या है, जो बच्चे शुरू से मेरी क्लास ले रहे हैं उनको पता है कि क्लॉज क्या है, ठीक है। और पीछे की क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ, शुरू की पहली क्लास जो होती है ना बेसिक ग्रामर की, उसी में बताया। तो क्लॉज नंबर फर्स्ट, क्लॉज नंबर सेकेंड, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, इनका जो हालांकि होते यही है, बोलते यही है, लेकिन क्लोज से थोड़ा आपको क्लीनेंस ज्यादा आता है, इसलिए मैं क्लोज का यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। अब करना क्या है, क्लोज नंबर फर्स्ट जो है इसका सब्जेक्ट अलग है, इसकी वर्ब अलग है, इसका ऑब्जेक्ट अलग है। क्लोज नंबर सेकंड जो है इसका सब्जेक्ट अलग है, वर्ब अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है, ठीक। इस तरीके से इनको आपको डिवाइड करना होता है। अब क्लोज नंबर सेकंड का टेंस जो है ना वो चेंज होता है क्लोज नंबर फर्स्ट के टेंस के अकॉर्डिंग, इसमें जो टेंस आता है उसी के। अब आपको समझना ये है कि इसमें क्लोज नंबर फर्स्ट में अगर टेंस आपका प्रेजेंट या फिर फ्यूचर आ जाए तो क्लोज नंबर सेकंड के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। दोबारा सुन लो, क्लोज नंबर फर्स्ट के टेंस में अगर यहां पे प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आता है तो क्लोज नंबर सेकंड में नो चेंज, लेकिन अगर क्लोज नंबर फर्स्ट में पास्ट टेंस आता है तो यहां पे चेंज होता है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक। दूसरी बात, टेंस कोई भी आए, टेंस कोई भी आए उससे फर्क नहीं है, लेकिन सेकेंड क्लॉज जो है उसमें हमेशा कुछ चेंजेस होते हैं, जो कि एडवर्ब के चेंज होते हैं और प्रोनाउन के चेंज होते हैं, पजेसिव के चेंज होते हैं, उनमें कुछ चेंज नहीं होना है, वो हमेशा चेंज होते रहेंगे। टेंस कोई सा भी है दोनों में कोई फर्क नहीं है चीजों के। दूसरा, यहाँ पे ये जो कोमा है ना, ये वाली और ये वाली, इन कोमा को हटाने के पहले क्या करते हैं, यहाँ पे बीच में कंजंक्शन लगाते हैं, ये जरूरी है कंजंक्शन, ठीक है। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए इसको चेंज करने के लिए हम क्या बनाएंगे, इसी का बना रहा हूं मैं, राम सेड टू मी, ठीक है। अब ये जो सेड है इसको हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे, टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको लिख दिया मैंने राम टोल्ड मी, भाई यहां पर टोल्ड क्यों आया है, इंपॉर्टेंट बात यह भी है, ये इसलिए आया क्योंकि यहां पे शेड है, एक वर्ब होती है शेड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब यहां पे अगर शे आता, ठीक है, सेज आता, ऐसे वाई ऐसे लिखते हैं, हम लिखते हैं ना, शे आता, सेज आता, विल से आता है ना, तब हम क्या करते हैं यहां पे वैसा का वैसा लिखते हैं, यहां पे कोई टोल्ड वर्ड नहीं आता, ठीक है, ठीक है। अगर सेज आता तो वहां पे टेंस कर देते, टोल्ड नहीं आता, तो और अगर विल से आता तो विल टेल आ जाता, इस तरीके से। अब सेड के लिए यहाँ पे टोल्ड आ गया, क्यों, ये सेकंड फॉर्म में, पास्ट में, इसीलिए चेंज तभी होते हैं जो पास्ट में होता है। तो टोल्ड मी, अब इसकी यहां पे क्या कंजक्शन आ जाएगा, दैट, ठीक है। अब यहां पे प्रोनाउन आ गया भाई, फर्स्ट पर्सन, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे सेकंड क्लोज में अगर आपको फर्स्ट पर्सन मिल जाए तो वो हमेशा क्लोज नंबर फर्स्ट के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ठीक है, क्लोज नंबर फर्स्ट के सब्जेक्ट के अनुसार,
याद रखना इस बात, यहाँ पे जो होगा अगर यहाँ पे राम है तो यहाँ पे आई की जगह ही हो जाएगा, यहाँ पे सीता है तो वहां पे शी हो जाएगा, ये याद रखना। तो यहाँ पे ही हो गया, क्यों हुआ है, क्योंकि आई को अगर हम राम के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो राम पर्सन है और आदमी है, अगर इंसान है आदमी है तो आदमी के लिए हम क्या यूज करते हैं इंग्लिश में ही, और एक औरत के लिए शी, तो ये एक आदमी इसलिए ही यूज किया, ठीक है। और अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन होता तो क्या करते भाई, तो हम इसके ऑब्जेक्ट के क्लॉज नंबर फर्स्ट का जो ऑब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग, मान लो यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू होता इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या जाता, आई आ जाता, क्योंकि मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई। देखिए ये सारा का सारा अगर कंफ्यूजन लग रहा आपको, अगर आपको दिक्कत कर रहा है, तो ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ये प्रोनाउन भी पढ़ाए हुए वहां पे जाके पढ़ने, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें मैंने आपको बता दी, ये चीजें क्लियर होंगी तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो सेकंड पर्सन जो होता है ना वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, क्लॉज नंबर फर्स्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन जो होता है ना उसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। तो इतनी चीजें होती है प्रोनाउन चेंज में, ठीक है। तो ही कर दिया हमने आई की वजह, ओके, फिर मेट। अब देखो यहां पे टेंस चेंज होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहां पे पास्ट था, मेट जो है मीट की सेकंड फॉर्म है, मीट की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है हम का यूज करते हैं पूरे टेंस में, हम सिर्फ एक जगह सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और वो कहां करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट में। अब यहां पे पास्ट इंडेफिनेट जो है उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है ना। ये टेंस के कुछ चेंजेस होते हैं, वो भी मैं आपको लिस्ट अवेलेबल करवा दूंगा साथ साथ में। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, हैड मेट योर ब्रदर, योर जो है सेकंड पर्सन का पजेसिव है, ठीक है, सेकंड पर्सन का हम चेंज किसके अकॉर्डिंग करते हैं, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन यहां पे मी है, मी का आई होता है, तो यहां पे योर पजेसिव है तो इसका भी पजेसिव आएगा, इसका पजेसिव होता है माई, ठीक है, और ब्रदर का ब्रदर आ जाएगा। बस इस तरीके से हम चेंज करें, राम टोल्ड मी दैट ही हैड मेट माई ब्रदर, ठीक। तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू। इसके बाद में कुछ टेंस जो होते हैं ना उनमें चेंजेस होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं वो मैं बता देता हूं। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको क्लॉज नंबर फर्स्ट के चेंजेस हैं, याद रखना, नहीं सॉरी क्लॉज नंबर सेकंड के, फर्स्ट में अगर पास्ट आ गया तभी आगे जाके चेंज होगी, ये तो आपको पता है। पास्ट आने पे क्या क्या चेंज होंगे क्लॉज नंबर सेकंड में, अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट आ गया तो उसको कर दो पास्ट इंडेफिनेट में, ठीक है, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आ गया तो उसको कर दो पास्ट कॉन्टिन्यूस में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट आ गया तो उसको कर दो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नो चेंज, सॉरी इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनेट आ गया तो इसको कर दो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस आ गया तो इसको कर दो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ये तो हो गए टेंस चेंज, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉडल वर्ब की, मॉडल वर्ब में क्या क्या चेंजेस होते हैं। अगर शैल आ गया तो शुड कर दो, अगर विल आ गया तो वुड कर दो, अगर कैन आ गया तो कुड कर दो, और अगर मे आ गया तो माइट कर दो, अगर मस्ट आ गया तो हैड टू कर दो, ठीक है। ये चेंजेस होने, ये चेंजेस टेंस में, ये चेंजेस मॉडल में। टेंस में देखो मैंने फ्यूचर का क्यों नहीं लिया, क्योंकि फ्यूचर में शैल विल आता है जो कि मॉडल वर्ब में आता है, तो मॉडल वर्ब में इसको हम रखते हैं, ठीक है। तो ये चेंजेस होते हैं हमारे टेंस के, ओके, टेंस और मॉडल के, क्लियर, ये चेंजेस होते हैं। इसके बाद में
कुछ एडवर्ब चेंजेस होते हैं। जैसे एडवर्ब क्या होता है, जैसे दिस है तो दिस को हम क्या बना देंगे, दैट। दीज है, दीज को बना देंगे दोज। हियर, हियर का बना देंगे देयर। ठीक है, यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो क्या बना देंगे, द प्रीवियस डे। ठीक है, एक होता है टुमोरो, टुमोरो को क्या बनाएंगे, आने वाला, टुमोरो को आने वाला बोलते हैं, तो द फॉलोइंग डे। इस तरीके से हम एडवर्ब को चेंज करते हैं। ठीक है, और कंजंक्शन सेंटेंस, देखिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हमने पैसिव वॉइस पढ़ा था, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें कंजंक्शन चेंज होते जाते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं, वो सारा हम एक एक करके सेंटेंस वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे टेंस के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस होते हैं वो वाला, उसके बाद में हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस होते हैं, सारा कुछ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।